Dear students, in this module, we are going to discuss the development of family life in modern societies. Family life has changed significantly over the past century, particularly in the developed countries. These changes include declining marriage rates, later marriages, higher divorce rates, and increased cohabitation. हम आज के माशरे के अंदर देखते हैं कि फैमिली लाइफ सिग्निफिकेंटली जो है वो चेंज हो चुकी है नस्बता ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ के जो बड़ी आने वाली तब्दीलियाँ हैं उनमें जो चीज़ शामिल है वो ये है कि एक तो मैरिज रेट्स के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शादी को जो है वो डिले किया जाता है ताकि एक्नॉमिक या एम्प्लॉमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सबसे पहले सिक्योर किया जाए और उसके बाद जो है वो शादी की जाए तो प्रेफरेंस जो है वो आज की दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटस होता है ना कि मैरिटल स्टेटस फिर इसके साथ साथ जो है वो हायर डाइवर्स रेट्स हैं आज की दुनिया में अगर आप पाकिस्तानी माशरे की भी बात करें तो जो न्यूज़ हैं उनके अंदर आप अक्सर देखते होंगे मीडिया के अंदर भी आप पढ़ते होंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर रिसेंट पास में डाइवोर्स रेट है जो है वो एक्सपोनेंशियली हाई हुआ है और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इनक्रीज़्ड लेवल ऑफ़ कोहैबिटेसन के शादी का जो एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल तस्वर था जो एक आपकी ख़ास लाइफ या रिलीजियस आइडियोलॉजी से बरामद होता था कि जिसमें जो दो इंडिविजुअल हैं वो फॉर्मल कॉन्टेक्ट की बुनियाद के ऊपर अपना रिश्ता या रिलेशनशिप कायम करेंगे अब ये तस्वर भी आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर नापैद होता जा रहा है और इसकी जगह जो है वो कोहैबिटेशन रिलेशनशिप्स ने ले ली है जिसमें दो कंसेंटेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में जब एक दूसरे के साथ मिल के ये तय कर लेते हैं कि उन्होंने आपस में ताल्लक़ में रहना है और आपस में रिश्ता बनाना है तो वो रह सकते हैं और इसके लिए वो शादी के इस प्रोसेस को ज़रूरी नहीं समझते Globally families are becoming more diverse in structure uh, with single parent families blended families and same sex families they are becoming more and more common particularly in the western europe the rise of women's employment and education has led to the changes in gender roles and division of household labor तो आज के फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली लाइफ में जो बड़ी तब्दीली रूना हो रही है हम ये देख रहे हैं कि जेंडर रोल्स जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं औरत जो है वो ये ज़रूरी नहीं समझती है कि उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ घर ग्रस्ती है हाउस होल्ड चोर्स हैं बच्चों की परवरिश है बल्कि वो इक्वली ये समझती है कि जिस तरह से मर्द जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाके अपने लिए जो है वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकता है बिल्कुल उसी तरह से औरत भी जो है वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती है तो जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे जिनके अंदर औरत की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ घर ग्रस्ती थी बच्चों की परवरिश थी या देखभाल थी अब वो शिफ्ट हो गई है और अब मर्द और औरत और और दोनों इसको जो है वो इक्वली समझते हैं कि ये उन दोनों की इक्वल रिस्पांसिबिलिटी है कि बच्चों की तरबियत भी उनकी जिम्मेदारी है और इसके साथ साथ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो भी उन दोनों की ज़िम्मेदारी है सो एडवांसिस इन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग सोशल एटीट्यूड टूवर्स सेक्शुअलिटी हैल्सो इम्पेक्ट आवर फैमिली लाइफ तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं हाँ, हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसने जो ख़ास तौर पर औरत है उसके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं और जिसको हम कराई की कोक कहते हैं उसके हवाले से भी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से अब औरत शायद वो ख़ास तौर पर वो जो अफोर्ड कर सकती है वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है और उसके लिए उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ज़रिए ये फैसिलिटी या ये, ये सहूलत मौजूद है कि वो अपना बच्चा किसी और से पैदा करवा ले तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है बहुत इंटरेस्टिंगली फैमिली यूनिट के ऊपर मेजर सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट पैदा कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि फैमिली एज अ यूनिट एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रेडिशनल फैमिली की नस्बत बहुत हद तक इवॉल्व हो चुका है इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत से मसाइल भी पैदा हो रहे हैं जिसमें उस बच्चे की आइडेंटिटी का बड़ा मसला होता है उस बच्चे की पेरेंटल आइडेंटिटी का भी बड़ा मसला होता है तो ये सारे प्रोसेसेस मिलके जो है एक यूनिक फैमिली सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कोविड नाइनटीन हैज़ ऑल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फैमिली लाइफ इंक्लूडिंग इंक्रीज स्ट्रेस जॉब लॉस एंड डिस्ट्रप्शन टू चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन तो चूंकि रिसेंट पास के अंदर ये एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इसके असरा जो हैं वो आपके फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर भी मुरतब हुए हैं उसके मोबिलिटी के ऊपर भी मुरतब हुए हैं और ओवरऑल उसके फाइनेंशियल कंडीशंस पे भी हैं तो इसकी वजह से एक जो बड़ा फैक्टर सामने आया है वो ये भी है कि शायद कोविड 19 के अंदर जो डाइवर्स रेट है वो भी एक्सपोनेंशियली हाई हुआ है तो फूड फॉर थाट फॉर यू वो ये है कि आप देखें कि कैसे कोविड नाइन्टीन ने हमारे ओवरऑल मैरिज पैटर्नस को ओवरऑल फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर को और इस पूरे फैमिली इंस्टीट्यूशन को जो है वो अफेक्ट किया है जिसमें के आपके मैरिज पैटर्न हैं डाइवोस का प्रोसेस है और सबसे अहम चीज़ बच्चों की सोशलाइजेशन है इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू